गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नेम है कैपिटल आर कैपिटल पी फिजिक्स और हब, हब में एच बी कैपिटल है, ठीक है। तो चलो अब आगे की बातें करते हैं, ये बातें तो होती रहेंगी। और हाँ बच्चों, चैनल को शेयर करना ना भूलें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इधर उधर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें और बताएं कि हमारे स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है ऑनलाइन, ठीक है। तो हमने बच्चों कैपिटल में लास्ट क्लास में देखा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में रिलेशंस, ये सब टॉपिक कवर किए थे। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज का टॉपिक है कैपिस्टर। कैपिस्टर जैसे चैप्टर का ही नेम है, चैप्टर का ही नाम है ना आपका कैपिस्टर, जैसे चैप्टर का नाम होता है तो कैपिस्टर, कैपिस्टर का दूसरा सेकेंड नेम है। कैपेसिटर को बच्चों कंडेंसर भी बोलते हैं, कंडेंसर। कैपेसिटर या कंडेंसर कुछ नहीं होता, जो हम फैन में लगाते हैं ना, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है फैन में, कूलर में, समर्सिबल मोटर के अंदर, वही कैपेसिटर होता है, वही कंडेंसर होता है। सबसे पहला सवाल ये कि कैपेसिटर क्या होता है बच्चों। इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। इसका एक ही फंक्शन होता है, चार्ज स्टोर करना। चार्ज स्टोर करने से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर उस एनर्जी से क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर, चलो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया, अब चार्ज स्टोर करके ये क्या करेगा। देखो, फैन को, कूलर को, समर्सिबल को, जितनी भी रोटेटिंग डिवाइस होती हैं, इनिशियली इनको रोटेट करने के लिए हाई टॉर्क चाहिए और वो हाई टॉर्क हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो पहले कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके इसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है, इनिशियल एक पुश प्रोवाइड करता है, जिससे एक बार ये रोटेट करना स्टार्ट कर दे। तो कैपेसिटर समझ गए, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। फिर देखो, फिर हमने ये भी पढ़ा है V is equal to K Q by R, सभी को याद है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, व्हेन चार्ज वन कूलम चार्ज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल ये होता है KQ/R। अब यहां से समझ में आ रहा है वी डायरेक्टली टू क्यू होता है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। वी डायरेक्टली टू क्यू, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो मैथ में है, जैसे ओम्स लॉ में आई डायरेक्टली टू वी, तो मैथमेटिकली हम इसको क्यू डायरेक्टली टू वी भी लिख सकते हैं। और डायरेक्टली को रिमूव करने के लिए एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है सी, वेयर सी इज कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या नेम है इसका, कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको। अब देखो वहां पे आया था रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में, वो भी कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे आया है कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो Q is equal to CV, तो यहां तक समझ में आ गया, एक रिलेशन आ गया। यहां से बच्चों C को लिख सकते हैं C is equal to Q by V। तो कैपेसिटर के अंदर ये फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, Q is equal to CV, और कैपेसिटर का मीनिंग है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। इतना समझ में आ गया। फिर आपसे सिंबल मांग लेगा, कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, कैपेसिटर का सिंबल ये होगा बेटा, दो लाइन बना देंगे
और ऐसे बना देंगे। ये कैपिस्टर का सिंबल है, ये है फिक्स कैपिस्टर। अगर बच्चों इसमें बीच में एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा वेरिएबल कैपिस्टर। क्या बन जाएगा? वेरिएबल कैपिस्टर। ये बन जाएगा वेरिएबल कैपिस्टर। तो किसी भी बच्चों को नोट्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना पेन और नोटबुक उठाए और एज इट इज नोट करना स्टार्ट कर दें। आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, आपकी एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई, कैपिस्टर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, क्यू इज इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला यूज होगा, सी का यहाँ से, कैपिस्टर का ये सिंबल है, ये फिक्स है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और ये वेरिएबल है बच्चों जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अब कैपिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो कैपिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? कैपिस्टेंस, इसको सी से लिखते हैं। कैपिस्टेंस है क्या? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी कैपिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वन हो जाए, जैसे बच्चों सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट हो जाए तो C क्या हो जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। तो C है क्या? इट इज द चार्ज स्टोर बाई कैपिस्टर व्हेन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिटी। डिफाइन हो गया कैपिस्टेंस। इट इज चार्ज स्टोर बाई कैपिस्टर, क्या हुआ? इट इज चार्ज स्टोर बाई कैपिस्टर व्हेन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिटी। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। तो कोई पूछ ले कैपिस्टेंस क्या है, तो आप बोल सकते हैं कैपिस्टेंस ये है। कोई पूछ ले कैपिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई वी से लिख सकते हैं। फिर पूछा जाएगा कैपिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है और इसको कैसे कैसे मेजर करते हैं, तो वो सारी चीजें बताऊंगा बच्चों मैं आपको। जितनी भी वीडियो बनाई है आप उनको ध्यान से समझें, ऐसा लगेगा कि ऑनलाइन नहीं मैं आपके सामने ही खड़ा हूं और आप मेरी क्लास में ही हैं बच्चे। अब इसकी ऐसा यूनिट देखो क्या होती है। इट्स एसआई यूनिट इज फैराड होते हैं, जो बच्चे फराड़ी मारते हैं, बंक करते हैं स्कूलों से, वो फराड़ी बच्चे होते हैं। वो फराड़ी नहीं, फैराड। क्या है? फैराड इसकी एसआई यूनिट है। और वैसे जनरली फैराड के अलावा और भी यूनिट यूज करेंगे बच्चों, माइक्रो फैराड यूज करेंगे 10^-6 फैराड, नैनो फैराड यूज करेंगे 10^-9 फैराड, पीको फैराड यूज करेंगे 10^-12 फैराड। ये भी इसकी कुछ और यूनिट्स हैं, ये आपकी स्मॉल यूनिट है, माइक्रो नैनो पीको फेमटो एक्टो जेप्टो योक्टो, याद है ना 10^-24 तक, आपको तो सब रटा ही होगा क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे स्टूडेंट तो कभी कमजोर हो ही नहीं सकते। तो कैपिस्टेंस के लिए हुआ बच्चों, ऐसा यूनिट समझ में आ गई, माइक्रो फैराड नैनो फैराड और पीको फैराड, यहां तक बात क्लियर हो गई ना बच्चों? तो अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कैपिस्टर। कैपिस्टर की टाइप पे चलते हैं, किस तरह के कैपिस्टर होते हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा टाइप्स ऑफ कैपिस्टर। चलो बच्चों, टाइप्स ऑफ कैपिस्टर, टाइप्स ऑफ कैपिस्टर। देखो दुनिया में तीन तरह के कैपिस्टर ही अभी तक डिजाइन हुए हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिस्टर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिस्टर्स।
कितनी तरह के कैपेसिटर होते हैं बच्चों? ओनली थ्री टाइप के. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. फर्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सेकंड है बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर. और थर्ड है बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. कौन सा है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो समझ आ गया. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में बच्चों देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. फर्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर. थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. इतनी बात समझ में आ गई. अब हम आगे बात करें. अब आगे बात करते हैं. अब हम इन सभी कैपेसिटर की एक एक करके बात करेंगे बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहले किसकी शुरुआत करें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है? इन सबको रब कर देते हैं. तो चलो मैं बात करता हूँ. हेडिंग बना लो बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बाद में देखेंगे सिलेंड्रिकल स्फेरिकल. बोर्ड सिलेबस में तो नहीं है, एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, फॉर्मूले बता दूंगा, हो जाएंगे. कॉम्पिटिशन में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है. इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है पैरेलल प्लेट, मतलब कि इसमें दो प्लेट होती है बच्चों, दो कंडक्टर की प्लेट, दो पैरेलल प्लेट ऐसे होती है, ऐसे होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. वन प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अदर प्लेट हैविंग सेम नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड बोथ प्लेट आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड अदर फेस ऑफ दिस इज अर्थिंग. ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये दो प्लेट से मिलके बनता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स. वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज सेम नेगेटिवली चार्ज. And both are separated by some distance. ये है कहानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. अब आप सोच रहे होंगे कि सर दो प्लेट क्यों लगाई, एक प्लेट से काम नहीं चल सकता था क्या? तो देखो बच्चों, पहले तो इन्होंने एक प्लेट ही डिजाइन की, फिर इन्होंने दो प्लेट से काम किया. दो प्लेट से मन नहीं भरा, बीच में मीडियम डाल दिया. अब जैसे आप कुछ चीज़ खाते हो, शादी ब्याह में जाते हैं, कुछ खा लिए, पकोड़े खा लिए, दही भल्ले खा लिए, आपका पेट मन नहीं भरता ना, तो चलो कुछ और खाते हैं. फिर चलो आपने कुछ मिठाई ले ली, कुछ आपने गुलाब जामुन खा लिए, बर्फी खा ली, फिर भी आपका मन नहीं भरता. तो आप क्या करते हो, पेट फुल हो गया और खाने की इच्छा है, तो क्या करते हो? हाजमोला लेके जाते हो ना, हाजमोला लेके जाते हो, हाजमोला खाते हो, डाइजेस्ट हो जाती है, फिर और कुछ खाते हो. नहीं तो यहाँ भी डाइजेस्ट का काम करती है दूसरी प्लेट. ध्यान से समझना प्रिंसिपल. देखो इसका प्रिंसिपल भी आपको ये बात समझ में आएगी. देखो अगर हम एक प्लेट लेके आते हैं, एक प्लेट, और बैटरी इसको पॉजिटिवली चार्ज करती है. बैटरी चार्ज कैसे करेगी? बैटरी के प्लस को अगर इसे जोड़ेंगे तो बैटरी इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा. एक टाइम आएगा कि बैटरी से चार्ज जाना बंद हो जाएगा. नहीं, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा. तो हम चाहते हैं कि ये और पॉजिटिव चार्ज स्टोर करे,
इसलिए एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं। अनचार्ज प्लेट इसके पास लेके आएंगे तो बाई इंडक्शन यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरी साइड बच्चों बाई इंडक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव इस बैटरी से आने वाले पॉजिटिव को ले आएगा प्लेट के ऊपर, लेकिन ये दूसरी साइड प्लस वाला नहीं आने देगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को क्या कर देंगे, ये नहीं आने दे रहा ना, इसको अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग कर देंगे ये ग्राउंड में चला जाएगा। अब बच गया क्या, ये नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को आने में हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब ये प्लेट मोर से मोर चार्ज स्टोर करेगी, इससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें दो प्लेट लगाते हैं। तो प्रिंसिपल भी क्या है, इसका प्रिंसिपल भी यही है, व्हेन ए अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट कम क्लोज टू चार्ज प्लेट, व्हेन ए अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट कम क्लोज टू चार्ज प्लेट, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो यहां से समझ लो, Q इक्वल्स टू सी वी ना, तो V क्या हो, C क्या हो जाएगा, Q by V। एक तरह से इस बैटरी को ये पॉजिटिव चार्ज या भेजने में कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव हेल्प करेगा। वर्क डन किससे रिलेट होता है, V से। तो V कम हो जाएगा तो मतलब C बढ़ जाएगा। देन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग एंड चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने आपको कैपेसिटर पे बात की है। बच्चों कैपेसिटर क्या है, ठीक है, कैपेसिटर का क्या पर्पज है, कैपेसिटर का क्या सिंबल है, कैपेसिटर की क्या टाइप है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। अब मैं इसमें डेरिवेशन कर रहा हूँ बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी एबिलिटी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। तो अब हम कुछ डेरिवेशन करेंगे कि ये कैपेसिटेंस कितना है। फिजिबल तो है ना बोर्ड, अगर कोई डाउट हो तो बॉक्स में लिख सकते हैं आप। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले वैक्यूम में डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद मीडियम में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको कहानी समझ में आ गई है कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव है, दूसरी साइड अर्थिंग है, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू, इस पे माइनस क्यू, और गैप कितना है डी। डेरिवेशन बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे करेंगे, वी नो या आई नो, आई नो वी नो, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा बेटा, हमें सी निकालना है, सी हो जाएगा क्यू बाई वी, ये इक्वेशन वन हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो चार्ज तो हमें प्लेट पे पता ही है। देखो इसमें कैपेसिटर की खास बात होती है, इन दोनों पे चार्ज सेम होता है, जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इंडक्शन से कंडक्टर में सेम चार्ज आता है। अब हमें वी निकालना है, आपको पता ही है, ई को मैं लिख सकता हूँ वी बाई डी, किस फॉर्मूले से लिखा है, ई होता है माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, डी आर गैप होता है, यहाँ गैप कितना है डी। साइन तो मैंने बताया था, नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टीपेस्ट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव का मीनिंग ये बताया था ना कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तेजी से,
तो यहां से बच्चों वी आ जाएगा, ई इंटू डी आ जाएगा, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बोलो प्लेट्स के बीच में, और सिग्मा बच्चों क्या होता है क्यू बाई ए होता है। ये इक्वेशन आ गई टू, ये वी का वैल्यू यहां पुट कर दे फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से करेंगे तो सी क्या हो जाएगा क्यू बाई वी, वी हो जाएगा क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाएगा बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये रिजल्ट आ गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये फॉर्मूला है वैक्यूम में, इन मीडियम, इन मीडियम बच्चों क्या हो जाएगा सी एम, ए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह ए एप्सिलॉन एम बाई डी आ जाएगा, और हमें पता है के इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो तो सी एम कितना आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। के कॉमन ले लो बेटा, के कॉमन लेंगे तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। तो मीडियम में जो कैपेसिटेंस होगा वो वैक्यूम के कैपेसिटेंस से के टाइम्स होगा के, और ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कहाँ का कैपेसिटेंस है वैक्यूम का। तो आप समझ सकते हो बच्चों मीडियम में, मीडियम का मतलब अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। देखो एक प्लेट से हमने दो प्लेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, फिर दो प्लेट से भी बात नहीं बन रही तो हमने स्लैब रख दी और कैपेसिटी बढ़ गई, और देखेंगे अगर स्लैब को हाफ पोर्शन में फिल करेंगे तो क्या होगा कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर फिल करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।